तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आई देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस यहां पर स्मैकडाउन स्टार्ट होने से पहले आज यहां पर रोमेज और कोडी रोड को एक साथ बैक स्टेज देखा गया था जॉर्जिया स्टेडियम में। आखिर इनके बीच क्या प्लानिंग हो रहा है मैच को लेकर। उसके बाद गाइस ये फाइनली कन्फर्म हो चुका है की यहाँ पर जॉन सीना का कौन होगा यहाँ पर फाइनल टूर मैच में। तो गाइस आने वाले मैचेस के लिए आखिर कौन होगा यहाँ पर जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जो अपना न्यू क्लाइंट लाने वाले थे आखिर उसका नाम रिवील्ड हो चुका है। आइए देखते आखिर कौन सा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर पिछले 2 सालों में जे उसो ने यहाँ पर सारे मैचेस के लिए यहाँ पर एक ऐसा कारनामा कर दिया, शायद ही कोई रेसलर ऐसा किया होगा। तो गाइस चलिए शुरू कर दें इस वीडियो को। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन सीना के लास्ट अपोनेंट को लेकर। वैसे गाइस इस समय काफी सारे रूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि जॉन सीना को जो लास्ट अपोनेंट होने वाले फाइनल टूर के लिए वो होंगे यहाँ पर लॉगन पॉल। वैसे गाइस यहाँ पर लॉगन पॉल ही चाहते थे कि वो जॉन सीना को रसुमिना 39 में पर यहाँ पर जब जॉन सीना का मैच यहाँ पर ऑस्टिन थियरी के साथ यहाँ पर कंफर्म हो जाता है तो इनको यहाँ पर मौका नहीं मिलता, तो शायद यहाँ पर एक मौका और मिल जाए जॉन सीना वर्सेस लॉगन पॉल के बीच। उसके बाद गाइस आज के स्मैकडाउन स्टार्ट होने से पहले रोमरेंज और कोडी रोड को एक साथ यहाँ पर बैक स्टेज देखा गया जॉर्जिया स्टेडियम में। और ऐसा भी सुनने में आया कि ये दोनों रेसलर एक साथ यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे। तो गाइस हो सकता है कि ये दोनों रेसलर आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने फाइट को लेकर। हो सकता है कि इनके मैचेस में काफी सारे पोटेंशियल दिखाई दे। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर जी उसो को लेकर। वैसे गाइस जी उसो इस समय एक ऐसे रेसलर बन चुके हैं जो कि यहाँ पर सारे टाइटल्स के लिए मैच फाइट कर चुके हैं पिछले 2 सालों में, चाहे वो टैग टीम हो या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन या फिर हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियन ही क्यों ना। वैसे जब यहाँ से ब्लड लाइन से निकले जी उसो तो इनका क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया जो की रामरेज की वजह से। उसके बाद गाइस अपन नेक्स्ट रूमर यहाँ पर रिया रिप्ली को लेकर। तो गाइस यहाँ पर रिया रिप्ली का ऐसा मानना है की जब जजमेंट डे का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो रिया रिप्ली ने काफी रोए इसके बारे में। हालांकि गाइस यहाँ पर जो जजमेंट डे था वो 2-3 सालों से यहाँ पर यूनिफाइड टैग टीम चैंपियन था जिसकी वजह से काफी सारे सुपरस्टार एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके बाद गाइस आप नेक्स्ट न्यूज देख सकते हैं जो कि यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को लेकर। ड्रू मैकइंटायर ने यहाँ पर मैसेज किया है कि इस बार का जो मैच होगा यहाँ पर बैड ब्लड में वो यहाँ पर सीएम पंक वर्सेस यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर के बीच जो होने वाला है। तो यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर का ऐसा मानना है कि इस मैच में यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट होगा। तो गाइस पता नहीं अब कौन सी हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करना चाहते, खैर जो भी होगा यहाँ पर सामने तो दिखाई देगा ही। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है रॉ और स्मैकडाउन को लेकर, जहां ट्रिपल एच ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि और फिलहाल इस समय रॉ और स्मैकडाउन जो कि 2 घंटे के लिए हो रहा है और आने वाले समय में 2025 में जब ये नेटफ्लिक्स पर लाइव होगा तो यहां पर 3 घंटे को कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्या अभी सेंटर को पहचानते हैं, ये यहाँ पर WWE का परफॉर्मेंस सेंटर जहाँ पर WWE रेसलर को यहाँ पर तैयार किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस स्टोरी को जहाँ बेली ने अपने स्टेटस पे कुछ लगाया था और उनका मानना है कि आज 16 साल हो चुके जब उन्होंने अपना लास्ट मैच फाइट की थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ने यहाँ पर इंडस्ट्री में जहाँ जेफ हार्डी ने ब्रे वायट का यहाँ पर ट्रिब्यूट किया था। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जेफ हार्डी ने किस प्रकार के यहाँ पर मास्क पहना हुआ है ब्रे वायट का। तो गाइस आज ही का वो दिन है जब यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियन में सेथ रॉलिंस वर्सेस स्टिंग के बीच मैच हुआ था। और वैसे गाइस ये स्टिंग की कैरियर का वन ऑफ द लास्ट मैच था जहां पर रेसलिंग करने के बाद एक बार फिर से नहीं दिखाई दी यहां पर स्टिंग। उसके बाद आज का नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट है यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो और जैको फातो को लेकर, जहां ये दोनों रेसलर एक साथ यहां पर घूम रहे थे बैक स्टेज। आप देख सकते हैं किस प्रकार का उन्होंने फोटो पिक लिया है यहां पर। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज अपडेट और रूमर्स जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।